कर्नाटक के रण में पीएम मोदी के बेंगलुरु में रोड शो कार्यक्रम में बदलाव हुआ है। अब 36 किलोमीटर से ज्यादा का जो रोड शो करने वाले थे उससे दो दिनों में प्रधानमंत्री पूरा करेंगे, लेकिन लोगों की परेशानियों को देखते हुए ये फैसला किया गया है। लोगों के हित में है। आज बेंगलुरु में सुबह 10 बजे से 1:30 बजे तक रोड शो का कार्यक्रम है और पीएम शाम को बादामी और हावेरी में जनसभाओं को संबोधित भी करेंगे। दोपहर में रोड शो खत्म होगा, उसके बाद शाम में उनकी जनसभाएं होंगी। लगातार पूरा एक दिन कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में देश के प्रधानमंत्री दे रहे हैं। रविवार शाम नंजन गुडगेश श्रीकांतेश्वर के प्रसिद्ध मंदिर में दर्शन करने का कार्यक्रम और पूजा के साथ ही अपना प्रचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खत्म कर देंगे। तो लगातार जो बैक टू बैक उनके दौरे रहे, भले ही वो जनसभाओं के माध्यम से हो, भले ही वो रोड शोज के माध्यम से हो, वो इस तरह की चीजों के माध्यम से हो, क्योंकि हमने वो भी देखा जब सरकारी वाहन से उतरकर प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल से निकल कर बाहर आए और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लोग लगातार पुष्प वर्षा करते रहते हैं और अपने बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाकर, और इसे दूसरी तरह से समझने की कोशिश की जाए तो राजनीतिक लिहाज से भारतीय जनता पार्टी जिस भी चुनाव में उतरती है, कोई भी उस तरह का स्टेप लेती है, तो स्टार प्रचारक की सबसे पहली लिस्ट जो निकलती है, सबसे पहला नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उनके चेहरे पर। भारतीय जनता पार्टी ताल ठोक कर कहती है कि हम चुनाव लड़ते हैं और जीत दर्ज करते हैं, क्योंकि लोकप्रियता का आलम कुछ इस तरह का है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि जिस रास्ते से होकर गुजरते हैं, ये देखिए तस्वीर, पूरा वाहन फूलों की पत्तियों से लदा हुआ नजर आ रहा है। आज भी जनसभाएं और रोड शो प्रधानमंत्री के रहेंगे और इसी के साथ चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा और अब इंतजार 10 मई का, फिर इसके बाद सभी दलों को।